न्यू सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद 2012 दौरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में ग्रेड 1-12 ताई भर्ती कल 284 मुलाजम की भर्ती के जाली करार दे छो है। अयाज माजिद गुलाम नबी समेत लगभग 180 मुलाजम पगारों न मिलने खिलाफ अदालत से रुजू किया हो। अवां के खबर बाबत आगाह क्यों पा सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद 2012 का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में ग्रेड 1-12 भर्ती कल 284 मुलाजम की भर्ती के जाली करार दे छो है। जैसे अयाज माजिद गुलाम नबी समेत लगभग 180 मुलाजम पगारों न मिलने खिलाफ अदालत से रुजू किया हो। मुलाजम की गडियल दरख्वास्त जस्टिस सलाहुद्दीन पमहर जस्टिस उमर सियाल से मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बुधरी कई है। अदालत का आगाही दिनी वही है त मुलाजमन जो भर्ती मुख्तलिफ वक्तन ते थियूं खेन क्लर्क सब इंजीनियर माली चौकीदार नायब कासिद समेत बेन आसामिन से भर्ती किया वो हो। एडवोकेट मोहसिन गोपाल चो त इब्तदाई तौर कुछ मुलाजमन के पगारों भी जारी थी हुई। दादू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वकील खालिद सईद सुमरो चो त जानल मुलाजमन जो भर्ती बिना इश्तहार के थियं जिनके इब्तदाई तौर से मकानी खाते भी बोकस करार दिनों हो। अदालत दिन जा दलील बुधने बाद जानल समूर मुलाजमन की भर्ती के गैर आइनी करार दींदे संदन दरख्वास्तों रद्द कर जो हुक्म दिनों है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद 2012 दौरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में ग्रेड 1-12 ताई भर्ती कल 284 मुलाजमन की भर्ती के जाली करार दई छो है। अयाज माजिद गुलाम नबी समेत लगभग 180 मुलाजमन पगारों न मिलने खिलाफ अदालत से रुजू किया हो। मुलाजमन की गडियल दरख्वास्त जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जस्टिस उमर सियाल से मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बुधरी कई है। अदालत के आगाह दिनी वही त मुलाजमन जो भर्ती मुख्तलिफ वक्तन ते थियूं खेन क्लार्क सब इंजीनियर माली चौकीदार नायब कासिद समेत बेन आसामिन ते भर्ती कयो वयो हो। अवां के खबर बाबत आगाह कयो पिया एडवोकेट मोहसिन गोपांग चयो है त इब्तदाई तौर कुछ मुलाजमन के पगारों भी जारी थियूं हुयूं। दादू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वकील खालिद सईद सुमरो चयो त जानल मुलाजमन जो भर्ती बिना इश्तहार के थियूं जिनके इब्तदाई जांच दौरान मकानी खाते भी बोकस करार दिनो हो। इन हवाले से तफसील आई हैदराबाद का धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर शब्बीर अबड़ो असा सा लाइन से मौजूद है। जी शब्बीर, सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में 2012 दौरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो जो ग्रेड 1-12 तक भर्ती थियल हुई उन्होंने हवाले से तफसील बुझाजो। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद 2012 ईस्वी दौरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में ग्रेड 1-12 तक भर्ती थियल 284 मुलाजमन की भर्ती के जारी करार दे जो अयाज माजिद गुलाम नबी समेत लगभग 180 मुलाजमन पगारों न मिलने खिलाफ अदालत से रुजू किया हो। जैसे गडियल दरख्वास्त बुधनी जस्टिस सलाहुद्दीन पावर जस्टिस उमर सियाल से मुश्तमिल डिवीजन बेंच कई जो एडवोकेट मोहसिन गोपाल अदालत से आगाही कई मुलाजमन की भर्ती मुख्तलिफ वक्तन से थे खेन क्लार्क सब इंजीनियर माली चौकीदार नायब कासिद समेत बेन आसमन से भर्ती थी। इब्तदाई तौर कुछ मुलाजमन के पगारों भी जारी थियों हों जो दादू डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के वकील खालिद सईद सुमरो अदालत से आगाही कई जानल मुलाजमन की भर्तियों बिना इश्तहार के थियों जिनके इब्तदाई तौर जांच दौरान मकानी खाते में बोक्स करार दिनों हो। अदालत गुरीन जहा दलील बुधन बाद जानल समूर मुलाजमन की भर्तियों के गैर आनी आइनी करार दींदे सदन दरख्वास्तों रद्द करण जो हुक्म दिनों। पिटिशनर अयाज अदालती फैसले के हाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कहूं जैसे वकील खालिद सईद सुमरो मोहसिन गोपांग अदालत जो तफसीली फैसलो अना तक जारी नियो है पर अदालत समूह पिटिशनर की मुकर के बोस्त करा थी सदन दरख्वास्तों रद्द कर। ठीक है शब्बीर, बड़ी तफसीलियों के लिए।